समर्थन JK 24/7 न्यूज किसी भी रूप में नहीं करता है। घर, सपनों का घर, यह सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या वास्तव में घर बना पाना या घर ले पाना सपनों की तरह ही आसान होता है? हम में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सपने को हकीकत की दुनिया में टूटते हुए देखा होगा, दरकते हुए देखा होगा, चकनाचूर होते हुए देखा होगा। हम में से ज्यादातर का अनुभव रियल एस्टेट की दुनिया में कड़वा ही रहा है, लेकिन जो होते हैं समझदार, होशियार, वो न केवल खुद जागरूक होते हैं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सबक ले लेते हैं और कई तरह की परेशानियां उठाने से बच जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर हाजिर हूं खास पेशकश रियलिटी मिरर। तो कार्यक्रम में सबसे पहले आपको हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर जाती है कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है रियल एस्टेट में। यह तस्वीर चमकदार रियल एस्टेट का स्याह पहलू है। यह तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है और इन तस्वीरों में जो कुछ है इसका अनुभव आप में से भी कईयों ने किया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें रियल एस्टेट के तमाम बायर्स को उनके साथ होने वाले तमाम ऐसी दुर्घटनाओं को हम रोक पाएंगे, उनके साथ कोई हादसा होने से हम रोक पाएंगे। यह हमारी कोशिश है इस खास पहल के जरिए, जिसमें हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे और एक खास संस्था भी हमारे साथ जुड़ेगी। एक फोरम है, उसके बारे में बताएंगे आपको कि आखिर क्या पहल हम करने जा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, समझिए, और यह वीडियो तो किस तरह पहुंच गया हमारे पास, लेकिन अक्सर जो सब होता है बिल्डर्स के ऑफिस में, जब बायर्स पहुंचता है तो कैसे उसके बाउंसर उसके साथ क्या कुछ करते हैं, कैसे गुंडई होती है, कैसे दबंगई होती है, तमाम चीजें सरेआम होती वहां पर, लेकिन यह सुर्खियां नहीं बन पाती है, मुद्दा नहीं बन पाता। लेकिन अब हम ऐसे मुद्दों को उठाएंगे, आपको जगाएंगे और साथ में जो बिल्डर्स हैं उन्हें भी जागने को मजबूर कर देंगे। इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है और ऐसी हालत कैसे बन गई है, इन तमाम बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रियलिटी मीडिया के ध्रुव शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि सीईओ हैं रियलिटी मीडिया के। ध्रुव, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के तौर पर खासे चर्चित रहे हैं, अच्छे खासे लोग उन्हें जानते होंगे निश्चित तौर पर। उसके साथ साथ हमारे साथ एक्स एम्प्लॉई सारे होम्स के राजू रंजन जी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक्स एम्प्लॉई खास तौर से, क्योंकि हम उनके जान पाएंगे कि आखिर रियल एस्टेट की दुनिया में होता क्या है, वास्तव में इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है और ऐसे हालात कैसे बन जाते हैं, इन तमाम बातों को हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, आगे ले जाएंगे। उससे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रियलिटी मिरर है क्या प्रोग्राम, और इसको शुरू करने वाले जिसके प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं आपको वो है रियलिटी मीडिया का। उसका क्या है, क्यों बन गए हैं, क्या है रियल एस्टेट सेक्टर में मौजूद लूप होल्स, कैसे पार पाए ऐसे हालातों से, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट जो खुद रियलिटी मीडिया के ध्रुव शर्मा होंगे, सारे होम्स के प्रदीप मिश्रा होंगे, प्रदीप मिश्रा जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है वो होंगे। तो खास पेशकश हम शुरू करने जा रहे हैं रियलिटी मीडिया के साथ, ताकि आप हो सके जागरूक और साथ में रियल एस्टेट से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें मिल पाए न्याय, उन्हें हम दिला पाए न्याय, वो हो पाए सजग, यही कुछ हमारे साथ है। सबसे पहले ध्रुव शर्मा आपके पास आते हैं और जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर रियल एस्टेट को लेकर इतनी दूर की सोच रियलिटी मीडिया के पास कैसे पहुंची, कैसे आपने इसकी शुरुआत की और ये फोरम कैसे बना? जी नमस्कार, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि रियलिटी मीडिया रियल एस्टेट पे फोकस्ड इस देश का सबसे पहला एक ऐसा डिजिटल फोरम है जहां रियल एस्टेट से संबंधित सभी एस्पेक्ट्स, जैसे कि बिल्डर्स, ब्रोकर्स, बिल्डर के एम्प्लॉइज और क्लाइंट्स अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और इन सभी समस्याओं का समाधान रियलिटी मीडिया उनको दे रहा है। यही नहीं, केवल उनकी हक की लड़ाई भी उनके लिए लड़ रहा है। रियलिटी मीडिया एक ऐसा डिजिटल फोरम है जहां पर रियल एस्टेट से संबंधित सभी जानकारी मौजूद है। एक्सपर्ट्स के रूप में हमारे साथ सीए, एडवोकेट्स, वास्तु एक्सपर्ट्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, प्रोफेशनल पार्टनर्स जुड़े हैं, जो निशुल्क सलाह व सेवाएं रियलिटी मीडिया के रजिस्टर्ड मेंबर्स को दे रहे हैं।
जी बिल्कुल ध्रुव, तो ध्रुव से आपने जाना कि रियलिटी मीडिया है क्या, कैसे आप फायदा उठा सकते हैं रियलिटी मीडिया से जुड़ के, एक एक्सपर्ट के तौर पर आप उससे जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ यदि आपको किस तरह की दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, तो उसका समाधान भी आप यहां पर पा सकते हैं। रियल मीडिया में और क्या और इससे कैसे जुड़े, एक हम आपको छोटा सा यहां पर एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। उस रिपोर्ट से हम जान पाएंगे कि आखिर की रियलिटी मीडिया आखिर है क्या। वो पैकेज आपको देखना जरूरी यहां पर है, ताकि आप जान पाएं कि रियलिटी मीडिया के जरिए आप कैसे जुड़े और कैसे बतौर एक्सपर्ट जुड़े और साथ कैसे वहां से समस्या का समाधान आ पाए। तिनका तिनका जोड़कर सपनों का आशियां बनाता है कोई, उन सपनों को तोड़कर आंखों में अश्क भर जाता है कोई। वास्तव में रियल एस्टेट सेक्टर का ये काला पक्ष है और काफी हद तक सच। जब भी कोई अपने आशियाने की तलाश में निकलता है, अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करता है, तो कदम कदम पर उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि उसके हौसले जवाब देने लगते हैं। कई बार बिल्डरों की मनमानी की वजह से उसके सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता और अपने आँख कान खुला रखकर ऐसी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। रियल एस्टेट में मौजूद ऐसी परेशानियों से छुटकारा दिलाने की कोशिश में जुटा हुआ है रियल्टी मीडिया। लगातार धोखा खाते ग्राहकों के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह ये काम कर रहा है, एक ऐसा फोरम जहां रियल एस्टेट से जुड़ी हर समस्या का समाधान होता है। अगर आप ग्राहक हैं और बिल्डर के शिकार हैं, तो यहां आपको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और यदि आप इस सेक्टर के हर नियम कायदे से वाकिफ हैं, यहां मौजूद घालमेल के पेंच को अच्छी तरह समझते हैं, तब भी एक एक्सपर्ट के तौर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, बस हमारे वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पहुँचने पर आपको कई सारे लिंक्स मिलते हैं। दरअसल रियल्टी मीडिया से जुड़ने के लिए आपको रियल्टी मीडिया के वेबसाइट पर जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको होम आंसर्स, एक्सपर्ट्स, न्यूज, ब्लॉग्स, एक्सक्लूसिव माई स्टोरी, साइन अप, लॉगिन जैसे सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप बारी बारी से क्लिक करके उसके अंदर जा सकते हैं। इन अलग अलग लिंक्स पर क्लिक करने के बाद आप अलग अलग विषयों से संबंधित जानकारी पा सकते हैं। मसलन होम के बगल में मौजूद आंसर्स बटन पर आप रियल एस्टेट से जुड़े सवालों के जवाब देख पाएंगे। अगर आपकी क्वेरी से मिलता जुलता कोई सवाल है, तो उसके जवाब के जरिए अपनी समस्या का समाधान आप खुद ही जानेंगे, नहीं तो आप अपने सवाल यहाँ पोस्ट कर सकते हैं और एक्सपर्ट के जवाब का इंतजार कर सकते हैं। हमारे पास एडवोकेट से लेकर रियल एस्टेट से जुड़े कई तरह के एक्सपर्ट्स का लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। रियल एस्टेट से जुड़े ताजा तरीन खबरों को भी आप यहां देख सकते हैं। यही नहीं, सबसे शानदार सेगमेंट एक्सक्लूसिव में आप ऐसे वीडियो देख पाएंगे जो रियल एस्टेट की चमकदार दुनिया की काली तस्वीर को दिखाता है। लेकिन इन सबसे रूबरू होने के लिए आपको यहां सबसे पहले खुद को करना होगा रजिस्टर्ड, यानी कि आपको वेबसाइट पर जाने के बाद खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा और रियल मीडिया से खुद को जोड़ना होगा। इसके लिए साइन अप के सेक्शन में जाकर अपना नाम आपको डालना होगा, अपनी ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी और अपने लिए एक नया पासवर्ड डालना होगा, जिसके बाद आपको एक ओटीपी मिल जाता है, यानी कि आप अब रजिस्टर्ड हो गए। एक बार साइन अप हो जाने के बाद आप रियल्टी मीडिया की वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान आप ये बताना नहीं भूलिएगा कि आप किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ताकि एक एक्सपर्ट के तौर पर आप रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े पीड़ितों के साफ दिलाने में हमारी मदद कर पाएं और रियल्टी मीडिया के इस मिशन में बराबर के भागीदार बन जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। फूफी की बेटी की शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की चिक-चिक। उधर 12 महीने की लीज के 10 महीने हो चुके हैं, अब लीज बढ़वाई तो ब्रोकर कमीशन मांग लेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाए। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। फॉर बुकिंग्स कॉल नाउ। बेबाक और बेलाग खबर के लिए आपके पास है ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा, लेकिन अब होगा खबरों का पोस्टमार्टम। ग्रेटर कश्मीर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक और शानदार तोहफा, उर्दू वीकली नवाए जहलम। हर शनिचर को नवाए जहलम पढ़ें और लफ्जों से टीवी का एहसास पाएं। नजदीकी न्यूज एजेंट से आज ही खरीदें।
मॉडर्न उर्दू सहाफत का शाहकार वीकली नवाए जहलम। बराए रास्त रब्ते के लिए डायल करें 01942747433। 01942745535। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आप काफी कुछ समझ गए होंगे कि कैसे रियलिटी मीडिया के साथ आपको जुड़ना है और कैसे अपनी समस्या का समाधान करना या फिर कैसे आप एक्सपर्ट के तौर पे बाकी लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारे साथ ध्रुव शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजीव रंजन भी, हमारे साथ प्रदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप सर, आपके पास आऊंगा यहां पर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट होने के नाते। जो बातें हमने यहां पर की, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर रेरा कानून की। रेरा को लागू किया जा चुका है, इस रेरा के लागू होने के बाद से क्या वास्तव में अब एक तरह का प्रोटेक्शन मिल जाएगा जो बायर्स हैं, फ्लैट बायर्स को? देखिए, पहले तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि रेरा एक्ट जो 2016 ऑलरेडी एक साल हो चुके हैं उसे, एक साल का टाइम दिया गया था, उसके बाद अब 3 महीने का टाइम दिया हुआ है रेरा रेगुलेटरी बनाने के लिए जी। तो कई स्टेट्स ने तो अभी नोटिफाई नहीं किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्टेट्स ने रेरा को नोटिफाई कर दिया है। जो 3 महीने का टाइम है वो भी इस महीने करीब खत्म हो जाएगा 31 जुलाई को, लेकिन अभी भी सभी स्टेट्स के अंदर रेगुलेटरी नहीं बन पाई है। मतलब जहां पे नोटिफाई हो भी चुका हुआ है वहां पर भी बायर्स को पूरी तरह अभी तक, मैं कहूँ कि बायर्स सेफ नहीं हो पाए हैं। और फिर सबसे बड़ा इसके अंदर एक पेज मेरे को नजर आता है कि कई स्टेट्स ने इसके अंदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को बचाने की कोशिश की गई है, डेवलपर्स को सेफ गार्ड करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा जो मसला है वो है कि जो अब तक ऐसे फंसे हुए बायर जिनको 10 साल 15 साल से पोजीशन नहीं मिला, उनकी समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको कई स्टेट्स ने दरकिनार कर दिया है। तो सबसे पहले जब तक वो चीजें कवर नहीं होगी तो पुराने फंसे हुए बायर्स को मेरे को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, साथ में मैं इसमें एक अच्छी बात ये है कि वो जो नए प्रोजेक्ट्स जो अब लॉन्चिंग होंगे या डेवलपर जो अब प्रोजेक्ट को सेल करेगा उसे बेचने से पहले उसे रेगुलेटरी के पास, जो कि अभी तक कई में बनी नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन है कि महीने भर के अंदर अंदर सभी स्टेट्स रेगुलेटर बना लेंगे, तो रेगुलेटरी के पास जाके अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराना पड़ेगा। और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद, मतलब अथॉरिटी सारी चीजें वेरीफाई कर लेगी, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगी, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकता है। मतलब प्री लॉन्च टाइप की कंडीशंस या बायर जो बगैर पेपर देखे, क्योंकि बायर को अवेयर नहीं है, उसे पता नहीं है कि क्या पेपर सही है क्या नहीं है, तो उसको अथॉरिटी रेगुलेटर जो है वो ध्यान रखेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर देगा और बायर आने वाले किसी फर्जीवाड़े से वो जरूर बच पाएंगे। रियलिटी मीडिया के ध्रुव शर्मा से हम जानेंगे यहां पर कि जैसे कि आपने यहां पर देखा कि रेरा कानून अब लागू हो चुका है, बावजूद इसके इसमें कई सारे लूपहोल्स होंगे और उसका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी निश्चित तौर पर, तो ऐसे में इस फोरम पर कैसे एक शख्स अपनी परेशानी का हल ढूंढ सकता है? ध्रुव जी, पंकज जी, मैं बताना चाहूंगा कि 2017 फरवरी में हमने इस फोरम को लॉन्च किया था जी, तब से लेके आज तक हमारे पास छोटी मोटी बहुत बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स आई हैं और ज्यादातर जो कंप्लेंट्स हैं वो क्लाइंट की तरफ से आई हैं, जिसमें जेपी, सुपरटेक, सारे होम्स, आम्रपाली जैसे बड़े बिल्डर्स के नाम भी मौजूद हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है या सबसे बड़ी जो कंप्लेंट थी हमारे पास वो आम्रपाली सफायर के रेजिडेंट से हमको मिली थी जी, जिसके अधिकारों के लिए ये लोग कैसे आपके साथ कैसे जुड़े? वो सीधा फोन करते हैं आपके पास या फिर ये लोग फोरम के जरिए? ये लोग फोरम के जरिए हमारे साथ जुड़े थे और फोरम पे इन्होंने ये कंप्लेंट डाली थी। करीबन 100 से भी अधिक कंप्लेंट्स इस पे दर्ज हुई थी इसी प्रोजेक्ट के खिलाफ जी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके लिए रियलिटी मीडिया ने इन लोगों के अधिकार के लिए काफी प्रयास भी किए हैं जी। आम्रपाली होम बायर्स की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नोएडा के विधायक पंकज सिंह से मीटिंग करने के बाद बायर्स ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ब्रजेश नारायण सिंह से मुलाकात की। अभी आज आए थे, इन्होंने बोला, डीएम साहब ने, हम लोग सब आम्रपाली के बायर हैं, इन्होंने बोला क्या कि ये मेरा जुडिक्शन नहीं है एफआईआर करना, ये अथॉरिटी करेगी। और मैं बोला कि सपोज करो अगर कोई बायर यहाँ पे आम्रपाली का बायर सुसाइड कर लेता है तब भी आप अथॉरिटी को फोन करोगे कि भाई सुसाइड कर लिया है, इसका हम एफआईआर करें या ना करें? तब तो आप करोगे। कल इन्होंने 4 करोड़ सरकार का पैसा था, इन्होंने बोला मैं तो निकाल लिया,
और हम लोग का 22,000 करोड़ फंसा हुआ है, उसका कोई माय बाप नहीं है। पिछले 3 साल से यही हो रहा है। आप आइए डीएम ऑफिस में या फिर आप एसएसपी ऑफिस जाइए, कहीं भी जाइए, ये लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बिल्डअप पर कार्रवाई नहीं करते। अगर जो इन्होंने आज आश्वासन दिया है, क्योंकि हम लोग पिछले 10 साल से सिर्फ आश्वासन पर ही, मतलब हर मीटिंग में सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, तो अगर ये 10-15 दिन के अंदर कुछ ग्राउंड पर कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आएगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये लोग FIR क्यों नहीं कर पा रहे? एज ए फ्रॉड लोगों के खिलाफ सुब्रत राय है, वो अंदर बंद है, अब उसे दंडा होता है 1500 करोड़ रुपए जमा करा देता है। नोएडा अथॉरिटी ने या इसके दामाद को, उसको गिरफ्तार करने डायरेक्टर को 4.5 करोड़ रुपए दे दिया। 4.5 करोड़ में हमारा कुछ एक पिलर बन के कुछ फ्लैट तैयार हो जाते, ये इसमें नहीं ध्यान दे रहे, उसका अरेस्ट नहीं करना चाह रहे, अपना पैसा वसूल कर लेंगे हम। बायर्स का 40,000 करोड़ फंसा है, उसको कोई देखने वाला नहीं। मुलाकात के बाद भी होम बायर्स निराश ही लौटे। जिलाधिकारी ने बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज करने से साफ इनकार करते हुए खरीदारों को प्राधिकरण के पास जाने की नसीहत दी, जबकि अपने स्तर पर शासन को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। हमारे साथ यहाँ पर एक्स एम्प्लॉई सारे होम्स के राजीव रंजन जी भी हैं, और ये बहुत अजीब सी बात है अपने आप में कि रियल्टी मीडिया में जो कुछ हो रहा है उससे वाकिफ होंगे, और इसीलिए शायद उस दुनिया को छोड़कर आज हमारे साथ इस वक्त बताने के लिए ये तैयार है। यहाँ पर राजीव रंजन जी, बहुत सी बातें यहाँ पर दुरुस्त मैंने रखा और एक फोरम बनाया, काफी एक स्वागत योग्य है ये बात, क्योंकि आम लोग आमतौर पर बस चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें जो न्याय मिल नहीं पाता है। जानना चाहेंगे क्या वास्तव में कानून का पालन नहीं होता रियल एस्टेट के सेक्टर्स में? आप खुद एक एम्प्लॉय रह चुके हैं एक रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़े टाइकून के साथ। बिल्कुल पंकज जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा रियल एस्टेट सेक्टर का, क्योंकि आप अगर एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय जो है वो दो तरफा मार उसे लगती है। जी बिल्कुल करेक्ट। पहला चीज ये है कि एम्प्लॉय मेहनत करता है कंपनी के लिए, काफी दिलोजान से मेहनत करता है, और मतलब टफ टाइम में भी वो कंपनी के लिए बिजनेस ला के देता है। जी ठीक है। और नतीजा क्या मिलता है उसे? नतीजा ये होता है कि उसे टाइम से सैलरी नहीं मिलती है, उसके इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, ये तो एम्प्लॉय की बात हुई। अगर दूसरे पक्ष की मैं अगर बात रखूं कि जो बायर से जो घर खरीद रहे हैं उन्हें घर नहीं मिलता, तो कुल मिला के आप देखेंगे ये इंडस्ट्री जो है बड़ा ही अजीबो गरीब है, जिसमें जो है जो मेहनत करता है उसे भी उनकी कदर नहीं होती, और दूसरी चीज जो बायर्स है वो अपने घर खरीदते हैं उन्हें घर नहीं मिलता। एम्प्लॉय की अगर देखें तो उनका अपना जो सोशल जो फेस वैल्यू है करेक्ट, वो अगर कहीं पे भी जाते हैं अपने जानने वाले को उनसे ये करते हैं या किसी के रेफरेंस से वो मकान किसी को दिलवाते हैं, तो वहां पे उनका जो सोशल जो कहते हैं कि उनका जो चेहरा है वो वहां पे भी उनकी वैल्यू फेस वैल्यू भी बहुत ही खराब हो जाती है। दोबारा वो उनके सामने जाने लायक नहीं रहते हैं। अगर रियल एस्टेट छोड़कर भी अगर कहीं बंदा वो दूसरी जगह काम करता है करेक्ट, तो वहां पे भी उसे काफी परेशानी होती है, क्योंकि वो जिन्हें उन्होंने फ्लैट बेचा है वो बार बार वो मतलब वो तो कोई भी बिल्डर के पास नहीं जाता, वो तो कहते हैं कि भाई आपने दिलवाया हमें घर, आप मुझे दिलवाओ, आप मुझे हमारे पैसे निकलवाओ या आप हमें घर दिलवाओ। ये वास्तव में एक बड़ी समस्या है। प्रदीप मिश्रा जी जाने यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है, निश्चित तौर पर वो तमाम ऐसे मुद्दों से रूबरू होते होंगे, वाकिफ भी होंगे। प्रदीप जी, निश्चित तौर पर ये जो बातें की जाती है आमतौर पर रियल एस्टेट को लेकर काफी चमकदार बातें होती है, लेकिन इसका स्याह पक्ष तो बहुत खतरनाक है, और आमतौर पर जो पीड़ित होते हैं वही जान पाते हैं इसको। आखिर कैसे इतने कानून होने के बावजूद, रेरा भी अब लागू हो गया उसके बावजूद, क्या लूपहोल्स निकालते हैं ये रियल एस्टेट के सेक्टर में ताकि वो बच जाते हैं, और इन्हें डर क्यों नहीं होता है? देखिए, अब तक क्या था कि बहुत ज्यादा ढिलाई थी, और बायर के अंदर कहूंगा अवेयरनेस भी बहुत कम थी, बायर बहुत ज्यादा अवेयर भी नहीं हुआ करते थे, और वो एक बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट देके प्रॉपर्टी खरीद लिया करते थे।
लेकिन मैं कहूंगा बायर को अच्छे ढंग से होमवर्क करके प्रॉपर्टी लेने की जरूरत होती है। आंख बंद करके किसी के भी कहने पे प्रॉपर्टी लेना मेरे को लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि डेवलपर जिस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है उसका टाइटल वो ओन कर भी रहा है या नहीं कर रहा। पहली चीज टाइटल, उसके बाद अथॉरिटी के पास जाइए आप, वहां पर जाके अप्रूवल्स को वेरीफाई करें, उसके बाद क्या पेमेंट प्लान दे रहा है वो कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से कर रहा है नहीं कर रहा, उसको भी रेगुलर मॉनिटर, मतलब बायर को सजग होके प्रॉपर्टी अगर वो ले रहा है तो मुझे नहीं लगता वो किसी टाइप के बचड़े में फंस सकता है। लेकिन अगर वो सजग नहीं है तो उसके सामने परेशानी कैसी भी आ सकती है। लेने से पहले ये बायर का होमवर्क करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बातें कही, अगर आप अपने आंख कान खोल कर रखेंगे तो आप ऐसे तमाम पचड़ों से, ऐसे घालमेल से बच सकते हैं, आपको डर नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद आप फंस जाते हैं तो फिर आपके लिए, आपके पास आपकी समस्या के समाधान के लिए रियलिटी मीडिया नाम का एक फोरम भी है। ध्रुव जी, हमने बातचीत की, राजू रंजन ने अपनी समस्या बताई कि कैसे जो इंप्लॉई है उन पर दबाव होता है, क्योंकि जो आम बायर्स हैं वो उन इंप्लॉई को जानते हैं जिनके जरिए उन्होंने बिल्डिंग खरीदी है। तो ये ऐसे लोगों को कैसे अपने आपने अपने साथ जोड़ा, क्योंकि फोरम निश्चित तौर पर फोरम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोरम होता है, इसमें हर तरह और हर सेक्टर से जुड़े लोग होते हैं, एडवोकेट तमाम लोग जुड़ते हैं। तो कैसे आपका आइडिया आया कि हमें एक्स एम्प्लॉई को साथ जोड़ना होगा तभी अंदर की बात आ पाएगी, कैसे आपने ये तय किया? क्योंकि अपने आप में खतरा है, क्योंकि एक रियल एस्टेट का कोई अगर कोई एम्प्लॉई एक्स एम्प्लॉई वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा नहीं पहले शुरुआत में। इतनी सारी समस्याएं इस मार्केट में मौजूद हैं, बिल्कुल इसी से मैंने रियलिटी मीडिया को एक फोरम, डिजिटल फोरम के उसमें लॉन्च करने का यही एक हमारा मकसद था कि हम चारों एक्सपेक्ट को सुन सकें। सिर्फ एक क्लाइंट को ही कह सकते हैं दुख नहीं है, उसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, एक बिल्डर भी है जिसके साथ अन्याय हो सकता है, एक इंप्लॉय भी है जिसके साथ अन्याय हो सकता है, एक ब्रोकर भी है जिसके साथ अन्याय हो सकता है। तो चारों एक्सपेक्ट को मिला के उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को लेकर हमने रियलिटी मीडिया एक फोरम को लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी एक्सपर्ट अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और उससे जुड़ी समस्या को वो रख सकता है और रियलिटी मीडिया उसके न्याय के लिए फाइट करेगा। बाकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पीड़ित सिर्फ बायर्स नहीं हो सकता है, वहां का एम्प्लॉई भी हो सकता है, ब्रोकर भी हो सकता है और खुद रियल एस्टेट जो कारोबारी वो भी हो सकता है, कि उसको भी तमाम तरह के क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, वहां के माफियाओं के साथ जूझना पड़ता है, जो प्रतिनिधि होते हैं जनप्रतिनिधि उनके साथ भी कहीं ना कहीं उन्हें मेलजोल रहना पड़ता है। ध्रुव, अगर आपसे हम ये जानना चाहें कि यदि मैं कोई एक फ्लैट बायर हूं और मैंने फ्लैट खरीदने की कोशिश की या आपने सोचा हुआ है, तो किस किस तरह की समस्याएं आपके पास मतलब आई है इससे जुड़ी हुई आपके फोरम पर, क्या क्या मतलब हम जानना चाहेंगे स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या समस्याएं आ सकती है और उसको आप किस तरह सुलझाते हैं? देखिए, इस फोरम पे जो भी क्लाइंट से रिलेटेड समस्याएं हैं वो दे ऑलरेडी या तो वो उनसे जूझ रहे हैं जी, वो इस तरीके की समस्याएं फोरम पे रखते हैं। और समस्या से रिलेटेड अगर मैं कहूं ऑल ओवर फोरम को देखा जाऊं तो ये एक इंफॉर्मेटिव फोरम भी है, जिसमें आपको प्रॉपर्टी लेने के डूज एंड डोंट्स भी बताए जाते हैं, रेरा क्या है, जीएसटी किस तरीके से लागू हुआ है, उसकी हर एक उल्लेखना इस फोरम पे हम लोगों ने करी हुई है। तो यदि आप एक बायर हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखें, आप रियलिटी मीडिया के फोरम पे जाकर एक पर्टिकुलर सेक्शन है एक्सक्लूसिव्स में, उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं ऑनलाइन या तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ध्रुव शर्मा यहाँ पर हैं, वो रियलिटी मीडिया के जरिए ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि वहां जो सताए हैं, जो पीड़ित जो इंप्लॉई है उन्हें अब दिक्कतें ना हो। प्रदीप शर्मा जी, जैसे कि इन्होंने बताया, राजू रंजन ने भी बताया कि यहाँ पे पूरा का पूरा दबाव कहीं ना कहीं दो तरफा दबाव झेल रहे होते हैं रियल एस्टेट के जो इंप्लॉई होते हैं, रियल एस्टेट कारोबार जुड़े हुए। जानना चाहेंगे आपसे कि एक किस किस स्तर पे एक आम आदमी को फ्लैट खरीदने के दौरान दिक्कतें आती हैं, किस किस लेवल पर धोखा होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं? देखिए पांडे जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि टाइटल प्रॉपर्टी का जो है वो डेवलपर ओन कर रहा है नहीं कर रहा। जनरली बायस आंख बंद करके कई बार प्रॉपर्टी ले लेते हैं जिनको पता भी नहीं होता, कई को तो समझ भी नहीं होती टाइटल की कहानी क्या है। जब तक टाइटल नहीं है, अथॉरिटी की अप्रूवल्स नहीं है, तो ये एक धोखा होना अपने आप में सामने क्लियर नजर आ रहा होता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो यहां बायर को सेफ गार्ड अपना करना चाहिए, इन चीजों को वेरीफाई कर लेना चाहिए। दूसरा, जो स्कीम्स कई बार डेवलपर चलाते हैं, एश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स, बायबैक स्कीम्स, ये कहीं हद तक एक तरह से एश्योरेंस है, ये कंफर्म नहीं होता, तो यहां पर भी कई बार बायर फंसते हैं। फूफी की बेटी की शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही
मकान मालिक की झिक झिक। उधर 12 महीने की लीज के 10 महीने हो चुके हैं, अब लीज बढ़वाई तो ब्रोकर कमीशन मांग लेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। फॉर बुकिंग्स कॉल नाउ। बेबाक और बेला खबर के लिए आपके पास है ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा, लेकिन अब होगा खबरों का पोस्टमार्टम। ग्रेटर कश्मीर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक और शानदार तोहफा, उर्दू वीकली नवाए जहलम। हर शनिचर को नवाए जहलम पढ़ें और लफ्जों से टीवी का एहसास पाएं। नजदीकी न्यूज एजेंट से आज ही खरीदें। मॉडर्न उर्दू सहाफत का शाहकार वीकली नवाए जहलम। बराए रास्त राब्ते के लिए डायल करें 0194-27-247-4339, 0194-27-55-435। लगभग तीन डिलीवरीज, तीन डिलीवरी का मतलब है लगभग 3,000 फ्लैट्स हम लोगों को दिल्ली एनसीआर की सबसे पहली अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के 3 सोसाइटी लगभग 3,000 फ्लैट हम लोगों को डिलीवर करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम राजनगर एक्सटेंशन में एक 20 लाख स्क्वायर फीट के नियर अबाउट लगभग 2,000 फ्लैट्स के नियर अबाउट लॉन्च कर रहे हैं। वो भी मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर लॉन्च कर देंगे। इससे अगला जो यूपी में ही हम लखनऊ में और भी ऐसी संभावनाएं तलाश रहे हैं जहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई जा सकती है। ध्रुव, अब आपके पास आते हैं, आप किस किस तरह की समस्याएं वैसे आमतौर पर सबसे ज्यादा आती है आपके पास, जो फोरम में लोग समस्याएं रखते हैं आपके सामने सुझाने के लिए, सबसे ज्यादा समस्या किस तरह की जुड़ी होती है आपके पास आती है? देखिए, अभी तक जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 2017 में हमने इस फोरम को लॉन्च किया था, तो वहां से लेके आज की अगर मैं बात करूं तो छोटी बड़ी सभी समस्याएं हमारे पास आती हैं। इंप्लॉय से रिलेटेड होती हैं, बिल्डर रिलेटेड होती हैं, आपका ब्रोकर रिलेटेड होती हैं, लेकिन जो अभी तक सबसे ज्यादा हमारे पास शिकायतें दर्ज हुई हैं वो एक क्लाइंट रिलेटेड हैं। क्योंकि अगर मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूं, जो प्रोजेक्ट अभी देरी क्या, जो अभी प्रोजेक्ट बना ही नहीं है, उसमें करीबन 500 क्लाइंट हो सकते हैं, उसमें 1,000 क्लाइंट हो सकते हैं, तो क्लाइंट की संख्या ज्यादा है इस फोरम पे। अच्छा। उनकी शिकायतें ज्यादा हैं कि उनको घर नहीं मिला, अभी तक पोजीशन नहीं मिल पाया है, पोजीशन मिल गया है तो जो क्वालिटी बिल्डर ने प्रॉमिस करी थी वो नहीं मिल पाई है, अभी तक जो भी उन्होंने स्कीम्स निकाली थी अश्योर रिटर्न्स की वो नहीं बिल्डर दे रहा है उनको, पैसा एडवांस लेने के बाद अगर कोई कैंसिलेशन कराना चाहता उसका पैसा वहीं पर अटका पड़ा है, वो पैसा वो उनको रिफंड नहीं कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि क्लाइंट जो अपनी इस फोरम पे शिकायतें दर्ज कर रहे हैं वो 90% सही भी है, या आज हम सब बैठे हुए यहां पे लोग सब जानते भी हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे उसकी ना इस पे सर्वे ना करे, किसी प्रॉपर्टी को लेने से पहले उस पे सर्वे ना किया हो, उस वो भी एक रीजन हो सकता है। जैसे अभी मिश्रा जी ने बोला कि ये सब चीजें पैरामीटर्स हैं जो एक प्रॉपर्टी लेने से पहले एक क्लाइंट को जरूर देखने चाहिए, तो इसी तरीके का समाधान जो है, इसी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है हमने रियलिटी मीडिया पे डाल रखी। बिल्कुल ध्रुव, आपने बहुत सही कहा यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने हम जा रहे हैं, बाहर सम है, पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, तो आँख कान हमें खुले रखने चाहिए। तो घबराइए नहीं, रियल्टी मीडिया फोरम के जरिए जुड़िए और JK247 न्यूज पर रियल्टी मिरर देखिए और अपनी आँख कान खोलिए और समझिए रियल एस्टेट के सेक्टर में होता क्या है और कैसे एक स्मार्ट बायर्स के तौर पर आप जुड़ेंगे। आने वाले तमाम एपिसोड्स में हम आपको ऐसे तमाम समस्याओं से रूबरू करवाएंगे जो कि रियल एस्टेट में आती है और उसका समाधान क्या है, इससे भी आपको रूबरू करवाएंगे, उसका समाधान आपको बताएंगे। फिलहाल आज खास पेशकश में तय, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JK247 न्यूज। आओ बदले हम। फूफी की बेटी की शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक झिक। उधर 12 महीने की लीज के 10 महीने हो चुके हैं, अब लीज बढ़वाई तो ब्रोकर कमीशन मांग लेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर,
क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। फॉर बुकिंग्स कॉल नाउ। बेबाक और बेला खबर के लिए आपके पास है ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा, लेकिन अब होगा खबरों का पोस्टमार्टम। ग्रेटर कश्मीर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक और शानदार तोहफा, उर्दू वीकली नवाए जहलम। हर शनिचर को नवाए जहलम पढ़ें और लफ्जों से टीवी का एहसास पाएं। नजदीकी न्यूज एजेंट से आज ही खरीदें। मॉडर्न उर्दू सहाफत का शाहकार वीकली नवाए जहलम। बराए रास्त राबते के लिए डायल करें 0194-27-247-4339, 0194-27-55-435।